नगर निगम द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए डिवाइडर के ऊपर लगे हुए रेलिंग पर लगे हुए गमले को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में मुख्य अभियंता सुरेश चंद ने बताया कि ग्रिल के ऊपर फ्रेम बनाकर गमले लगाए गए थे। नगर निगम के सहयोग से बड़े ही अच्छे तरीके से गमलों में पौधे को भी लगाए गए थे। कचहरी चौराहे से टाउन हॉल की तरफ जाने वाली सड़क से करीब 15 गमले चोरी किए गए हैं। इसके लिए हम पुलिस को पत्र भेज रहे हैं, जो भी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अभियंता सुरेश चंद ने कहा, देखिए ऐसा है कि जितने भी हमने चौराहे सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न संस्थाओं को दिए थे नगर निगम ने, जिसमें कि एस्प्रा है, गैलेंट है, केजी पान है, सहारा है और भी लोग हैं, उन्होंने चौराहे डेवलप किए थे और इनसे अनुरोध यह किया गया था कि जितने भी उनके आसपास के डिवाइडर्स हैं उन पर जो ग्रिल है, रेलिंग है, उस पर फ्रेम बना करके लोहे के उसमें गमले लगाए जाएँ। और उन्होंने बड़े अच्छी तरह से नगर निगम के सहयोग से गमले लगाए, उसमें पेड़ भी लगाए हैं। लेकिन देखा यह गया है कि कचहरी चौराहे के पास में जब इधर जाते हैं इंदिरा तिराहे की तरफ, वहाँ से प्लस कचहरी चौराहे से जाते हैं टाउन हॉल की तरफ, तो वहाँ से लगभग 15 गमले किसी ने उठा लिए हैं। मतलब एक बार में नहीं उठाए, बार बार में उठाए, कभी एक गमले कभी दो गमले ऐसे करके तो उठा लिए गए हैं। इसके लिए हम पुलिस को भी लिख के भेज रहे हैं कि इसका ध्यान रखा जाए, अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। देखिए गमले का उद्देश्य पूछने का तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि जब गमले लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो उससे एक तो खूबसूरती बढ़ती है, दूसरा उससे ऑक्सीजन भी निकलती है जो हमारे और आपके सबके काम आती है और उसकी आवश्यकता भी है। तो खूबसूरती प्लस ऑक्सीजन के लिए गमले लगाए गए हैं और इससे बहुत ही अच्छा लग रहा है जहाँ जहाँ गमले लगाए गए हैं।